भारत में चल रहे बिजनेस स्कैम का असली सच क्या है? भारत में कैसे बिजनेस ट्रेनिंग का MLM चल रहा है? क्या ये वाकई स्कैम है? लाखों लोगों के साथ ये स्कैम कैसे हो गया? क्या है मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच चल रही लड़ाई का असली सच? कैसे इन बिजनेस ट्रेनर्स के बिजनेस मॉडल देश के युवाओं को दलदल में फंसा रहे हैं और भविष्य में इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या करें? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में बिजनेस ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे स्कैम की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देश में इन दिनों एक स्कैम चल रहा है। अब आप सोचोगे कि कौन सा स्कैम? पैसे की ठगी का स्कैम, साइबर क्राइम का स्कैम, या फिर ऐसा कोई स्कैम जिसमें कि किसी ऐप में आपने कोई पैसा लगाया कि भैया प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं हुआ, आपको लग रहा है आपके साथ स्कैम हो गया। आपने कंप्लेन किया, आपको एक सीख मिल गई कि एक स्कैम हुआ था, आगे से ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से स्कैम से तो बचना आसान है, लेकिन अगर स्कैम ऐसा हो जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर दे, यानी यंग एज में जहाँ पर आपने जस्ट अपना स्कूल या कॉलेज पूरा किया हो या कॉलेज में इंटर करने वाले हो, इस समय में एक इंसान आकर आपको करोड़ों कमाने का झूठा सपना दिखाए, न सिर्फ सपना दिखाए बल्कि आपके साथ एक स्कैम कर दे, तो सोचो उस चीज़ का आपकी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम जिस स्कैम की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। आपने अलग अलग बिजनेस के नाम सुने होंगे, जैसे किसी का बिजनेस है किराने की दुकान चलाना, किसी का है कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना, किसी का बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर का हो। ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि किसी का बिजनेस ये है कि वो आपको बता रहा है कि बिजनेस कैसे करना है, और वो भी वो इंसान जिसको खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो किसी बड़े मैनेजमेंट स्कूल से पास आउट है। साफ भाषा में कहूं तो जिसको खुद ही नहीं पता दुकान खोलना कैसे है, दुकान चलती कैसे है, वो बता रहा है कि दुकान चलाना कैसे है। और आजकल ये चीज इंटरनेट की हेल्प से बहुत ज्यादा फैल रही है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस गुरुस और उनके गुरुकुल्स आ गए हैं, और कई तो इसमें बहुत बड़े नाम हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सपने बेच रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपको उनकी नकली लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। अभी बीच में तो एक न्यूज़ भी आई थी कि मलेशिया के एक इन्फ्लुएंसर ने प्राइवेट जेट रेंट पर लिया, ये बताने के लिए कि वो कितना पैसा कमाता है। ये सब कुछ किया जाता है आपको इम्प्रेस करने के लिए, ताकि आपको लगे आप तो पीछे रह गए। मतलब कुल मिलाकर ये आपको फेक मोटिवेशन देते हैं। उसके बाद उनकी बात आकर खत्म होती है कि आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप भी उनकी तरह अमीर बन सकते हैं। भारत में आज की डेट में कई ऐसे फेक बिजनेस गुरु हैं जो मनी मेकिंग के नाम पर कोर्स बेच रहे हैं। अमित पारीक, राहुल मनन और अभी हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हुआ कुछ यूं कि संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो में कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, कहा कि हमें एक कोर्स बेचा गया और उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। अब विवेक बिंद्रा जी को लगा कि बात उनकी हो रही है, इसलिए मामला थोड़ा गर्मा गया। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और इसीलिए विवेक बिंद्रा भिनका, क्योंकि इनके मॉडल में वही गड़बड़ी थी जो संदीप माहेश्वरी के वीडियो में कुछ लोगों ने बताया था। दरअसल विवेक बिंद्रा ने क्या किया, इनका नाम हो गया था तो इन्होंने कुछ पेड कोर्सेज बनाए, उसके बाद उनको खुद बेचने के बजाय ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आए। इस प्लान में इन्होंने हर सिटी में एक CP यानी चैनल पार्टनर बनाया, और उसके नीचे एक सेल्स टीम थी जिसमें काम करने वालों का नाम इन्होंने IBC रखा, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इन्होंने कहा मेरे पास बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कोर्स हैं, इसके लिए आपको मेरे पास आकर कुछ पैसे देकर खुद को ऐसा IBC रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मैं आपको ट्रेनिंग देकर IBC बनाऊंगा, उसके बाद आपको अलग अलग बिजनेसमैन के पास जाकर कोर्स देकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसमें सब कुछ सही था, कुछ गलत नहीं था, बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था। लेकिन लालच में इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने क्या किया, बिना जांचे परखे, बिना क्वालिफिकेशन देखे हर किसी को IBC बना दिया। अब जब ऐसे IBC बना दिए जिनको खुद बिजनेस की ABCD नहीं मालूम, वो कुछ बेच नहीं पाए, इसमें भी वो जो क्वालिफाइड थे वो बेच पाए। अब जो बिना क्वालिफाइड जस्ट स्कूल कॉलेज के पास आउट बच्चे थे जिन्होंने पैसे लगाकर कोर्स लिया, तो ये बेच तो कुछ नहीं पाए। तब इनको लगा कि भाई हमारा तो नुकसान हो गया, हम तो एक भी कोर्स बेच नहीं पाए। अब इसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर गाड़ी गिरवी रखकर या लोन पर पैसे लेकर एक कोर्स खरीदा था, इस उम्मीद में कि पैसा कमाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन जब इनका कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कहा हमारा पैसा रिफंड कर दो। तो ये कहते हैं रिफंड तो नहीं मिलेगा, तुम ऐसा करो ये कोर्स आगे 4-5 लोगों को बेच दो और कमीशन से अपने पैसे की रिकवरी कर लो। अब इसमें हुआ ये कि जो प्रोडक्ट एक बिजनेसमैन को बेचना था वो अब एक सेल्समैन दूसरे को बेचने लगा, कॉन्सेप्ट का असली मोटो पीछे रह गया। इनकी गलती यहाँ ये थी कि अगर ये रिफंड कर देते तो ये स्कीम 1000 आदमी पर रुक जाता, जो बढ़ता गया क्योंकि हर IBC 5 नए बिना पढ़े लिखे IBC बनाने लग गया और इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई। ये विवेक बिंद्रा सिर्फ एक उदाहरण है। कमाल की बात यह है कि इस तरह के कई लोग ऐसे कोर्सेज बना रहे हैं और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, स्पेशली इंडिया में सबसे ज्यादा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन ई लर्निंग ऑनलाइन कोर्सेज की नेटवर्थ 2018 में करीब $190 बिलियन की थी,
और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2029 यानी 2029 तक ये नेटवर्थ लगभग 319 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और इसलिए गूगल पर लगभग 32% वेबसाइट ऑनलाइन कोर्सेज बेच रही है। यूट्यूब पर हर तीसरी वीडियो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन को प्रमोट कर रही है। मतलब अमीर कैसे बने ये बताकर लोग अमीर बन रहे हैं। लेकिन प्रश्न है कि क्या ये सारे कोर्सेज जो ये लोग करवा रहे हैं वो फेक है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सारे कोर्स फेक नहीं है बल्कि जनरल है। मतलब ये कि ऐसे सारे कोर्सेज में दी गई नॉलेज आपको किसी किताब में, इंटरनेट पर या यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, और कई बार तो इससे बेहतर भी फ्री में अवेलेबल है। लेकिन ये बात छुपा कर वो लोग आपको जेनेरिक कंटेंट के कोर्स के नाम पर बेच देते हैं। अब आप ये सोचोगे कि जब इन कोर्सेज में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो लोग इनके जाल में फंस कैसे जाते हैं और कैसे लोग इनके कोर्स खरीद लेते हैं? तो आपको बता दें, आपको कोर्स बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा सिस्टम बना रखा है। अब ये क्या करते हैं, ये एक बढ़िया सा वीडियो एड बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज लाखों रुपए हैं। ये सोचकर देखने वाले को लगता है ये गरीब था अब इतना अमीर बन गया, ये सोचकर देखने वाले के मन में हल्का सा इंटरेस्ट आने लगता है। इसके बाद ये लोग अपनी फेक लग्जरी लाइफ दिखाकर अपने कोर्स को बेचने के लिए बड़े बड़े शब्द जैसे 10 MBA, अर्न मनी ऑनलाइन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जैसे कई अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करके अपने कोर्स का नाम रखते हैं, जिससे लगता है कि ये तो कमाल के कोर्स है। अब इन कोर्सेज का एड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाते हैं, कहते हैं यहाँ दिख रहा है लर्न मोर पर क्लिक करो। अब इनको पता है कि लोग क्लिक नहीं करेंगे, लोगों को लगेगा कि ये तो फेक है या फेक हो सकता है, इसलिए एड में एक वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड है फ्री। कहते हैं फ्री में एक वेबिनार है, इसको ज्वाइन कर लो। अब फ्री सुनकर लोग सोचते हैं कि फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, ज्वाइन कर लो। और लोग जब फ्री रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही इनके वेबिनार में पहुंचते हैं, इन वेबिनार में लोग 1 से 1.5 घंटे तक आपको साइकोलॉजिकली कन्विंस करते हैं, यानी बताते हैं कि इन्होंने कैसे पैसा कमाया, कैसे बड़े आदमी बने, सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ अपने फोटो बताकर या पेड टेडॉक्स इंटरव्यू दिखाकर आपको कन्विंस किया जाता है, और 50-40% लोग तो कन्विंस हो भी जाते हैं और कोर्स खरीद लेते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं खरीदता तो ये हार नहीं मानते, ये लोग टारगेट करते हैं बच्चों के पेरेंट्स को, उनको बताते हैं कि देखो आपने अपना जीवन गरीबी में निकाल दिया, बेटे का भी ऐसे ही निकालोगे, कोर्स ज्वाइन करवा दो, आपको बेटे की लाइफ बन जाएगी। और वैसे भी इंडिया में लोग आसानी से कन्विंस हो भी जाते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जॉब के लिए तैयार करता है, बिजनेस के लिए नहीं। ऐसे में लोग जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। इसमें भी स्पेशली Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के लोग, जहाँ अवेयरनेस कम है, और अधिकतर लोग इनके कोर्स खरीद लेते हैं। लेकिन कोर्स को खरीदने के बाद लोगों को पता चलता है कि इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो उस कोर्स में बातें बताई गई थी वो झूठ नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जितना पैसा दिया उतनी वैल्यू के कोर्स नहीं है। अब इन कोर्सेज को लेने के बाद जब किसी को मालूम चलता है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, न तो मैंने कुछ सीखा है और न ही कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये कोर्स बेचने वाले तुमसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम भी ये कोर्स बेचो, क्योंकि अगर तुम ये कोर्स बेचोगे तो तुमको तुम्हारा कमीशन मिलेगा और एक इनकम भी मिलेगी। तो देखा जाए तो इन कोर्स को बेचने वालों ने आपको तो बर्बाद किया, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप आगे भी 4 और लोगों को बर्बाद करो, फिर वो 4 और आगे 4-4 लोगों को बर्बाद करेंगे। तो आप सोचो ये बिजनेस कोचिंग और ट्रेनिंग का सो कॉल्ड बिजनेस आगे कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये लोग कुछ नहीं कर रहे, बस MLM चला रहे, वो भी बिजनेस ट्रेनिंग का MLM। पहले खुद खरीदो फिर बेचो, ये लूप चलता ही रहता है। इसके बारे में कोई लीगल कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि 10-12 के बच्चे लीगल कंप्लेंट करना ढंग से जानते भी नहीं है, और लीगल कंप्लेंट प्रॉपर इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि जो इस कोर्स में बताया गया है उसमें कुछ भी झूठ या गलत नहीं है, और रिफंड पॉलिसी भी नहीं होती है। लेकिन ये जेनेरिक होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि लीगल कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, ये सब लोग जिनके साथ स्कैम हुआ है एक ग्रुप बनाकर कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट भी होगी और कार्रवाई भी होगी, पहले भी हुई है और आगे भी होगी। लेकिन आपको एक बात समझना होगी कि इस तरह के कोर्सेज इंटरनेट पर और यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, बस जरूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस व मेहनत की। आपको किसी भी कोर्स और ज्ञान के लिए एक नया पैसा नहीं देना है, थोड़ा दिमाग लगाकर ढंग से सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। जहां भी ये कोर्स बेचे जा रहे हैं ये सब जेनेरिक कोर्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, न ही ये कोई IIM जैसी मान्यता प्राप्त संस्था का आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और वैसे भी अगर देखो तो देश और विदेश में जो टॉप के बिजनेसमैन हुए हैं उनमें से कई लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने कभी कोई कोर्स या डिग्री नहीं की। देखो यार, हमारी तो सबको एडवाइस है कि इन चक्करों में मत पड़ना, भाई लोग पैसा कमा रहे हैं, ये बताकर कि पैसा कैसे कमाए। तुम अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर से या इंटरनेट पर किसी भी तरीके का कोर्स खरीद रहे हो ना, 50,000 का तो छोड़ दो, अगर 1,500 या 100-500 का भी खरीद रहे हो ना, तो भाई सही मानो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।
दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। इसके साथ ही आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यंग एज में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से स्कैम में ना फंसे और बर्बाद होने से बच सके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।